साल 2022 हम पाकिस्तानियों से रुखसत हो रहा है और 2022 का साल पाकिस्तान के लिए 22 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए नहायत होलनाक रहा और तशवीश की बात यह है कि अगले साल भी हालात बेहतर होते दिखाई नहीं दे रहे। 2022 में पाकिस्तान ने हर शोबे में इंतहाई जबूहाली का ज़माना देखा। सियासत से लेकर तबाहाल मईशत के परेशान कुन रिकॉर्ड कायम हुए। इख्तदार की जंग ने मईशत का भरकस निकाल दिया है। यकीनी तौर पर यह साल मईशत की जबूहाली के तौर पर हमेशा याद रहेगा। इस साल महंगाई, ज़र मुबादला ज़खायर, डॉलर की कदर और शरह सूद ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। माशी मामलात इतने दगरगू हो चुके हैं कि डिफॉल्ट का खतरा है और इसकी बार बार बात होती है। इस साल स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 5 अरब 82 करोड़ डॉलर तक गिर गए, जो तकरीबन 9 साल की कम तरीन सतह है। एक साल में इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 50 रुपये का इजाफा हो गया। इस वक्त कहने को ओपन मार्केट में डॉलर के रेट 236 रुपये बताए जा रहे हैं, मगर मार्केट में डॉलर 260 रुपये पर भी बमुश्किल दस्तयाब है। इस साल पेट्रोल की कीमत 76 रुपये और डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 90 रुपये का इजाफा हुआ। महंगाई की शरह 25% और शरह सूद 16% पहुँच गई है। इस साल स्टॉक मार्केट का आगाज 44,596 पर हुआ था, जिसमें 4,000 पॉइंट से जायद की कमी रिकॉर्ड की गई है। एक साल के दौरान हसस की मालियत में 1,300 अरब रुपए से जायद कमी हो गई है। हमारे रेमिटेंसेस में अक्टूबर में 9% और नवंबर में 14% कमी आई। इस साल मुल्क में गंदम की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह 110 रुपए फी किलो हो गई। तारीख में पहली मरतबा फ़ी तोला सोने की कीमत 2.25 लाख रुपए से तजावुज़ कर गई। इसी साल ऑटो और टेक्सटाइल सेक्टर से मुतालिक 4 कंपनियों ने पैदावारी अमल मुअत्तल कर दिया। रेटिंग एजेंसीज मूडीज़ और फिच ने क्रेडिट रेटिंग हद दर्जा मनफी कर दी। इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तानी बॉन्ड्स की कदर 60% तक कम हो गई। इन हालात में पाकिस्तान के लिए IMF का प्रोग्राम भी तातुल का शिकार है और डिफ़ॉल्ट की तलवार सर पर लटक रही है। ये पस मंज़र है और यकीनन 8 माह की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत उसकी ज़िम्मेदारी से बरी नहीं हो सकती। वो इसकी ज़िम्मेदार ज़रूर है। हाँ, ये बात उनकी बहरहाल कहना ज़रूरी है कि 100% ज़िम्मेदारी इस 8 माह की हुकूमत की नहीं है। पाकिस्तान की लड़खड़ाती मईशत की वजह 75 साल वसाइल की बर्बादी और सियासी और फौजी दोनों हुकूमतों के निज़ाम की खराबी है। इस साल सियासी अफरा तफरी ने जमहूरी निज़ाम की भी चूल्हे हिला दी। मुल्क की तारीख में पहली बार किसी सिटिंग वज़ीर आज़म के खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीक अदम इत्माद कामयाब हुई, जिसके नतीजे में इमरान खान को घर जाना पड़ा और शहबाज शरीफ ने मुल्क के 23वें वज़ीर आज़म की हैसियत से ओहदा संभाला। तहरीक इंसाफ के 123 अराकीन ने कौमी असम्बली से इज्तमाही इस्तीफे दिए। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा 12 सियासी जमातों की मखलूत हुकूमत कायम हुई और पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी 80 मेंबरान पर मबनी काबीना वजूद में आई, जिसको इस बात की फिक्र नहीं कि पाकिस्तान के वसाइल महदूद हो रहे हैं, पाकिस्तान का खजाना खाली हो रहा है। और इसी उसके पस मंजर में हमने देखा कि 80 अराकीन की जहाजी तारीखी काबीना जो है वो वजूद में आई है। ये भी पहली मरतबा हुआ है कि विफाक में अक्सरियती जमात यानी मुस्लिम लीग नून किसी भी सूबे में अपनी हुकूमत बनाने में नाकाम है। इसी साल गैर मामूली पेशरफ में नैब कवानीन में तब्दीली के बाद सियासतदानों के अरबों रुपयों के करप्शन के केसेस भी ख़त्म हो गए हैं। इसी साल फौज से गिले शिकवों की नई तारीख ने भी जन्म लिया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की कॉल पर उनके हक में गैर मामूली तौर पर अवाम बार बार सड़कों पर निकले। इमरान खान ने अपना रियासत मुखालिफ मुतनाज़ा बयानिया यहाँ तक पहुँचा दिया कि तारीख में पहली मरतबा मुल्क के DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम और DGISPR को मिलकर हकायक सामने रखने के लिए मीडिया के सामने आना पड़ा और DGISI को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। साल 2022 में ही PTI के चेयरमैन इमरान खान पर एक कातिलाना हमला भी हुआ, जिसमें वो खुशकिस्मती से बाल बाल बचे। दूसरी जानब सियासी उखाड़ पछाड़ में सूबे पंजाब में 3 गवर्नर 3 वज़राए आला की तैनाती देखी। इस साल मुल्क के अहम अहदों पर नई तकरूरियाँ भी हुई। साल के आगाज़ में जस्टिस अमर अता बंदियाल ने मुल्क के नए चीफ जस्टिस की हैसियत से ओहदा संभाला। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की दूसरी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने के बाद जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आर्मी चीफ तैनात हो गए। वो उनकी तैनाती से कबल सियासतदानों के बयान ने मुल्क को हफ्तों हिजानी कैफियत में रखा। इसके अलावा इस साल अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत पाकिस्तान के गले ही पड़ गई। मुल्क में दहशतगर्दी के पे दर पे वाकयात हुए। बलूचिस्तान और KP में कलदम TTP और दहशतगर्द ग्रुप्स में कार्रवाइयाँ
हम देख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में दाखिल होकर दहशतगर्दी करने वाले शरपसंदों के खिलाफ अफगान तालिबान कोई एक्शन नहीं ले रहे। दहशतगर्दों ने एक साल में सिर्फ केपी में 220 के करीब हमलों में 118 पुलिस अहलकार शहीद कर दिए हैं। इस साल मुल्क में इख्तदार की खेचतानी में सीपैक भी तकरीबन ठंडा पड़ गया है। चीनी बाशिंदों पर दहशतगर्द हमलों के बाद चीन ने पाकिस्तान में जारी मनसूबों और पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुतालिक बार बार तशवीश का इजहार किया है। साल 2022 में यह गिरियाजारी और ये अंधोनाक हमारी कैफियत रही है मईशत के अंदर, सिक्योरिटी मामलों के अंदर, ख़ास तौर पर सियासत और पार्लिमानी मामलों में। क्या साल 2023 में इसमें बेहतरी की कोई गुंजाइश है, और बेहतरी अगर लाना चाहे तो क्या करें?